हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा एंड दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग। ये मेरा पहला ब्लॉग है। मेरे बेटे ने भी सजेस्ट किया और मैंने भी सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, एक बार ब्लॉगिंग की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कैसा बनता है ये ब्लॉग, आपको पसंद आता है कि नहीं आता है। हम लोग जा रहे हैं इस समय कहीं घूमने के लिए, वीकेंड। ये जो अभी वीकेंड है, इस वीकेंड पे हमने प्लान किया है। काफ़ी समय बाद हम लोग बाहर निकल पाए हैं, तो इस वीकेंड हम एक जगह जा रहे हैं। हमारे घर से 6 घंटे का रास्ता है, 270 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग निकले हैं थोड़ी देर पहले, और ये मेरा छोटा बेटा जो बदमाशी से बाज नहीं आया, बहुत बदमाश है। तो हम लोग बहुत तेज़ी से अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं वहाँ पहुँच करके आपको बताऊँगी कि हम फाइनली कहाँ जा रहे हैं। थैंक यू। बिना खाए पिए तो सफ़र का पूरा मज़ा ही नहीं मिलता है। ये मैंने घर से कुछ कुछ चीज़ें मैं बना के लाई थी। मैं मट्टी बनाई हूँ, मैंने मूंगफली और मखाने डले हैं। बस वही खाते पीते हम लोग रास्ते को इन्जॉय करते हुए जा रहे हैं। अभी 2 बजे हैं, हम लोग लगभग 5 बजे या 6 बजे तक पहुँचेंगे। इस टाइम कार में इतनी शांति है, पक्का बच्चे मोबाइल पे होंगे, टैप कर रहे होंगे। हाँ देखिए, बच्चे आराम से पीछे गेम खेल रहे हैं, तभी इतनी शांति रहती है, वरना इतनी शांति कभी नहीं रहती। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। मैं आई हूँ जिम कॉर्बेट। काफ़ी दिनों से प्लान बन रहा था, तो फाइनली हम आए हैं और हमने अभी अभी होटल में चेक इन किया है। तो अभिराज और दोनों ही बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि हमने रास्ते में, मतलब जब लोग आ रहे थे तो हमने रास्ते में कुछ हिरन भी देखे, इन लोगों ने पहाड़ देखे, जंगल देखा, बहुत एक्साइटेड है। तो अब कल हम लोग जाएंगे सफारी पर। तो अभी तो ये मस्ती कर रहे हैं। आपको एक बार मैं अपनी बालकनी से दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा व्यू है। बस अब हम लोग बहुत टायर्ड हैं, क्योंकि वैसे हमें ज़्यादा समय नहीं लगा, हमें 5 घंटा लगा। हम लोग 12 बजे निकले थे और हमें हम 5 बजे निकले थे, हम 5 बजे पहुँचे थे। तो हमें ज़्यादा समय नहीं लगा, बाकी रास्ता हमारा काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी स्मूथ रहा। उसके बाद तो सबसे पहले हमने ऑर्डर किया गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, फिर हमने चाय पी और फिर अपने जो सफारी वाले भैया हैं उनको कॉल करके अपनी बुकिंग कंफर्म की। तो पहाड़ों पे ये जो कुल्हड़ वाली तंदूरी चाय मिलती है, ये हम कैसे मिस कर सकते थे, प्लस मैगी। तो हम आ गए चाय एंड मैगी खाने। हेलो, तो आज हम लोग मॉर्निंग में जा रहे हैं गिरजा टेंपल। बहुत ही सुंदर मंदिर है वो। अभिराज बदमाशी करने से बाहर नहीं आता है। ईशु और आज आफ्टरनून में हमारी राइड है, सफारी राइड है। चलिए फिर वहाँ पहुँच के मैं अपडेट देती हूँ आपको। तो हम लोग पहुँच गए हैं गिरिजा टेम्पल, दर्शन कर लिया है, माता के भी दर्शन किए, भैरव बाबा का भी मंदिर बाहर था तो वहाँ पे भी दर्शन किए। आपको मैं पीछे दिखाती हूँ, ये देखिए ये गिरिजा टेम्पल है। तो अभी हम लोग दर्शन करके आ रहे हैं और इसके पास बहुत ही ब्यूटीफुल इधर रिवर है, अभी मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे पानी बह रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू है और पीछे पहाड़ है, बहुत ही बढ़िया व्यू है। ज़रूर, मतलब मुझे लग रहा है मैं इतने सालों से यहाँ पे थे, हम दिल्ली NCR में, मगर कभी यहाँ क्यों नहीं आई। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये, यहाँ पे आप देखिए, बहुत ही अच्छा है। गिरजा टेम्पल है, अभी अभी हमने यहाँ पे दर्शन किए और अब हम यहाँ पे थोड़ा फोटो खिंचा रहे हैं। ईशु और अभिराज इनके पापा गए हैं वहाँ पे, तो अभी हम उनसे फोटो खींच रहे हैं। अलग ही मज़ा है पानी में पैर डाल के बैठने का, बहुत ही ठंडा पानी है और बहुत मज़ा आ रहा है। बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये अभिराज है, अभिराज मज़ा आ रहा है, सही बात है, पानी की आवाज़ भी बहुत अच्छी लग रही है। अब ईशु, वरुण जी को टेंशन है कि मोबाइल गिर जाएगा पानी में, बट मैंने पकड़ा हुआ है कस के। कितना अच्छा लग रहा है ये पानी। तो फाइनली हम आ गए हैं जंगल सफारी पे। हमें शेर तो नहीं दिखा, लेकिन हमें हिरन दिखे यहाँ पर, बारहसिंघा दिखा, हमें यहाँ पर हाथी दिखा, लंगूर थे, बंदर थे, प्लस जंगल बहुत ही शांत, बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो हमें बहुत मज़ा आया जंगल सफारी में। तो जंगल सफारी हमारी बहुत अच्छी रही
और अब हमें कल निकलना है वापस घर के लिए। बट उससे पहले हमने सोचा कि थोड़ा जिस रिजॉर्ट में हम रुके हैं उसे थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो रिजॉर्ट के टेरेस पे जब हम आए तो हमने इतना ब्यूटीफुल ये नज़ारा देखा, प्लस हमने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे फोटोशूट भी करा लेते हैं। तो मैंने थोड़ी सी फोटो खिंचवाई और अब हमें वापस की पैकिंग करनी है वापसी की। तो अब हम वापस अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बहुत लंबा ट्रिप नहीं था, हमारा 2 दिन का छोटा सा ही ट्रिप था, लेकिन बहुत रिफ्रेशिंग। और बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया, हमने भी बहुत इंजॉय किया, खूब सारी वो कुल्हड़ वाली तंदूरी चाय पी, मैगी खाई, बहुत इंजॉय किया हमने। अब फाइनली हम अपने घर जा रहे हैं।